यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। अस्सलामु अलैकुम। विजन न्यूज की आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूँ मुकद्दस इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं कानता इम्तियाज। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस पर। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, सब साहिब हैसियत सेनेटर्स हैं, हुकूमत के पास सियासी तावीज भी होते हैं। सुबह सवेरे सखर रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने मजीद कहा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मीरपुर खास के करीब तेज रफ्तार डबल कैबिन वीगो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद मौके पर जा बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक डबल कैबिन वीगो गाड़ी में सवार अफराद मीरपुर खास से खपरू जा रहे थे। हादसा हंगूर नौ स्टॉप के करीब पेश आया। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफनयार वली खान ने अखबारात में अपने खिलाफ शाया शुदा बयान पर वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई को कानूनी नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में कहा गया कि असफनयार वली खान कौमी असम्बली के रुकन और अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। सूबाई वजीर इत्तलात ने एक बयान में असफनयार वली खान पर 2.5 करोड़ पख्तूनों का सौदा करने का इल्जाम लगाया है। अखबारात में शाया बयान से इनकी साख को नुकसान पहुंचा है। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोन करके पाकिस्तान और उसके मफादात की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने सऊदी अरब के साथ बढ़ते ताल्लुकात को पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। उनका कहना था कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कराची के इलाके डिफेंस में आयशा मस्जिद के करीब नामालूम गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद जां बहक हो गए, जिनकी लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल की गई। जराए के मुताबिक 2 अफराद मौके पर ही जां बहक हो गए थे, जबकि 2 अफराद दौरान इलाज अस्पताल में जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जमहूरियत और आइन की फतह होगी। हुक्मरानों की नीयत खराब है, अपोजिशन को वाज़ह अक्सरियत हासिल है, हुकूमत गैर जमहूरी और गैर आइनी तर्ज अमल से बाज रहे। कायद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की राबता कमेटी का इजलास उनकी रिहायशगाह पर हुआ। इजलास में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और मुतालिका सूरत हाल का जायजा लिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।